रहे हैं lokmatnews.in। 13 अप्रैल 1699 की वैसाखी हर सिख धर्म के अनुयायी को याद होगी, क्योंकि इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। लेकिन 1919 की वो वैसाखी सिर्फ पंजाब और अमृतसर को ही नहीं बल्कि पूरे देश भर को याद है, लेकिन खुशी से नहीं, गम से। जलियांवाला बाग हमेशा से ही अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन साल 1919 की वैसाखी पर जब इस जलियांवाले बाग में लोग घूम रहे थे और उसकी खूबसूरती को निहार रहे थे, तो उन्हें क्या पता था कि कुछ सालों बाद आज ही का वो दिन भारतीय इतिहास में काले पन्नों से दर्ज हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन जलियांवाले बाग में भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाले स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी मौजूद थे, जो देश को आजादी दिलाने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वैसाखी के दिन ही हजारों निर्दोषों की जान चली जाएगी। प्रदर्शनकारियों के बीच जहां इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते रहे, वहीं इसी में एक अंग्रेजी फौज और अंग्रेजी अफसर जलियांवाले बाग में दाखिल हुआ। उस अंग्रेज ने जलियांवाले बाग में घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग के आदेश दिए और 10 मिनट तक लगातार निहत्तों पर गोलियां चलती रहीं। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान, पुरुष, हर वर्ग उम्र का आदमी था जो निर्दोष था और निहत्ता था। गोलियां चलते ही बाग में अफरा तफरी मच गई, लोग परेशान हो गए, इधर से उधर भागने लगे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बाग में जाने और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, जिसे अंग्रेजी फौज ने घेर के रखा था। महिलाएं इतनी परेशान हो गईं कि वो अपने बच्चों को लेकर मजबूरन वहां बने कुएं में जा कूद गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। 10 मिनट चले इस गोलियों की बौछार ने जलियांवाले बाग का नक्शा बदल के रख दिया। आखिरकार 10 मिनट बाद जब अंग्रेजी सरकार के पास गोलियां खत्म हो गई तो सीज फायर की घोषणा कर दी गई। बताया जाता है कि उस समय करीब 1500 से ज्यादा सीज फायर किए गए थे, जिसमें 379 लोगों की जान गई और 1200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस नरसिंहार को आज 99 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जलियांवाला बाग आज भी इस दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। यहां बनी हर दीवार इस दर्दनाक घटना का सबूत है और उन पर चली गोलियों के निशान आज भी हमें उस मंजर में पहुंचा देते हैं। जलियांवाले बाग की एक एक चीज आज भी उस दर्दनाक मंजर की याद दिलाती है। ऐसी ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए lokmatnews.in से।